96 करोड़ ही प्रकट, मेरे को लगता है शायद यही टाइम होने वाला है। फर्क नहीं लग रहा मेरे को पुराने में और अभी में, फर्क नहीं लग रहा है। पुराने में एक औरंगजेब था जो मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाता था, आज मस्जिद को तोड़ के मंदिर बना रहे। तो करो जो करना है करो, लेकिन गुरु घर में अगर कोई आएगा ना, और वो भी तख्त साहब में, तो वाहेगुरु 40 सिंहों का इतिहास 1704 और सामने 10 लाख मुगल फौज। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊ, गिदड़ों से मैं शेर बनाऊ, 1.25 लाख से एक लड़ाऊ, तब मैं गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नाम कहा हूं। वाहेगुरु, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी का स्पेशल स्थान वाहेगुरु, जहां पर हम खुद 20 दिसंबर 2022 में अमृत शके वाहेगुरु, 1.25 लाख सर दे दिया वाहेगुरु, वहां पर जरूरत पड़ने पर वाहेगुरु रखूंगा अभी उस मिट्टी पे सर, अगर कोई एक्ट, अगर कोई गुरुद्वारा एक्ट में कोई गवर्नमेंट ने वाहेगुरु ऐसा 12 लोगों को ऐड किया जो अमृत नहीं शका हो, जो सिख ना हो, तो वाहेगुरु अन्याय। जस्टिस के लिए तो वाहेगुरु महाराज ने क्या कुछ नहीं किया है, थोड़ा इतिहास से वाहेगुरु मैं जोड़ूंगा। तखत सचखंड श्री हजूर अपचल नगर नांदेड़ वाहेगुरु, वहां पर एक वीडियो हर न्यूज में वाहेगुरु, संगत जी इतना दिन वाहेगुरु शांत था, बोलूंगा वाहेगुरु और करूंगा भी जरूर वाहेगुरु, जब महाराज ने सेवा देना है, शहीदी पैरे अपने आप वाहेगुरु लगने, सच के लिए। हाँ वाहेगुरु, सिर्फ सच थोड़ा चुभेगा वाहेगुरु, लेकिन सुनना जरूर वाहेगुरु ये चीज। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਉਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਚਖੰਡ ਬੋਰਡ ਦਾ ਜੋ 1956 ਦਾ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2024 ਨਵਾਂ ਐਕਟ, ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਿਰੋਧ ਯਾਨੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੋ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ये सच वाहेगुरु बोलूंगा थोड़ा सा, जितने सिंह वाहेगुरु रहते ना आसपास, मिस्टर अमित शाह जी, मिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो पीएम ऑफ इंडिया है ना वाहेगुरु, मनजिंदर सिंह सिरसा कालका, दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पूरा, जरा ये मैसेज जरूर इन तक पहुंचा देना वाहेगुरु। मैसेज क्या मालूम है? नहीं चाहिए हमको 400 के सिक्के, हमको कुछ नहीं चाहिए, पर गुरुद्वारे के मैटर में दखल अंदाजी ना करे, जरा इनको समझाओ वाहेगुरु। गुरु तेग बहादुर जी का शहादत क्या हिस्ट्री है, जरा इनको जोड़ो, कनेक्ट करो। ये गूगल बताता है, ये गूगल बताता है 500 कश्मीरी पंडित, पंडित कृपा राम दत्त आए ना, कहां पर आए? अनंतपुर साहब आए। किन से मिले? गुरु तेग बहादुर जी से मिले। डेट भी है इसमें, तो डेट मई 25, 1675 में वाहेगुरु वो डेट, और हिस्ट्री शहादत हिंद के चादर ना गुरु तेग बहादुर जी, 11 नवंबर 1675 का हिस्ट्री बदल नहीं सकते वाहेगुरु, इतना बड़ा हिस्ट्री। और उनके बेटे वाहेगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज हमारे पिता, अगर उनके स्थान पर अगर कोई कब्जा का सोच रखे ना वाहेगुरु, शहीदी पैरे के वो दर्शन होंगे ना जो झेल नहीं पाएंगे वाहेगुरु। मौत से वैसे ही नहीं डरते। और मेरे को मालूम है इसके बाद मेरे साथ बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। एनआईए वालों ने उठाया था मेरे को, किस चीज के लिए? पूछताछ। क्या मिला? कुछ नहीं। अकाउंट में क्या है? 200-250 रुपए। और कितना दूसरा अकाउंट में कितना है? 1200-1300 रुपए। मैं कैसे जीता है? मैं उस महाराज की कृपा से जीता है। मैं गुरु घर को नहीं लूटा, मैं कोई पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं किया, मैंने सेवा किया और आखिरी क्षण तक सेवा करूंगा। और एक चीज, हजूर साहब ने मेरे को नाम बख्शा है ना, हजूर साहब के लिए वाहेगुरु 50 टुकड़े में कट जाओ, लेकिन गद्दारी नहीं। तो गुरुद्वारा एक्ट जो है ना, ये कैंसल अगर नहीं होता है ना, तो वाहेगुरु
मुझे तो पता नहीं मैं जीऊंगा कि नहीं, लेकिन वाहिगुरु अगर जो भी आएगा उस गुरु घर में, वाहिगुरु आंच छोटा सा भी आए ना वाहिगुरु, फर्क नहीं पड़ता वाहिगुरु। हाँ, बनाएंगे मेरे को अभी क्रिमिनल लोग, कुछ ना कुछ पकड़वा के FIR ठोकेंगे, और क्या कर सकते, एक ही तो चीज करते, FIR करो ना, पक्का वाला करो, जिस दिन मैं कुछ करूंगा, अभी तक तो कुछ किया ही नहीं है, लेकिन ये जो एक्ट बन रहा है ना वाहिगुरु, क्यों ऐसा करने का। अभी शिरडी साई बाबा वाहिगुरु, वहां पर हिंदू लोगों को मिलना चाहिए वो मंदिर को देखभाल करने के लिए, ख्वाजा गरीब नवाज वहां पर मुस्लिम्स को मिलना चाहिए, उनका जो भी बोर्ड रहेगा या कमिटी रहेगा, राम मंदिर वहां पर हिंदू को मिलना चाहिए, लेकिन अगर इस चीज में अगर दखल अंदाजी करेंगे, 12 अगर तुम्हारा रहेगा गवर्नमेंट, तो हम क्या करेंगे वहां पर, सिख क्या करेंगे वहां पर। रैत मर्यादा का मतलब मालूम है क्या है, जो शस्त्र महाराज के वाहिगुरु वहां पर शस्त्र है, उसका सेवा करेंगे कौन, हजूरी फौज, शस्त्रन के अधीन है राज, राज बिना ना धर्म चले, धर्म बिना सब दले मले, एक गुरुद्वारा, वैसे महाराज के बचन है वाहिगुरु, माल तेकड़ी साहिब गुरुद्वारा, 96 करोड़ी प्रकट, मेरे को लगता है शायद यही टाइम होने वाला है, फर्क नहीं लग रहा है मेरे को पुराने में और अभी में, फर्क नहीं लग रहा है। पुराने में एक औरंगजेब था जो मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाता था, आज मस्जिद को तोड़ के मंदिर बना रहे, तो करो जो करना है करो, लेकिन गुरु घर में अगर कोई आएगा ना, और वो भी तखत साहब में, तो वाहिगुरु 40 सिंहों का इतिहास 1704 और सामने 1,00,000 मुगल फौज, चुटकी बजा कर निकले थे महाराज वहां से, लो हिंद के पीर जा रहे, कोई रोक सके तो रोको, तो वो पावरफुल बचन ना महाराज का, हजूर साहब जहां पर महाराज ने बचन दिया है, आज्ञा भाई अकाल की तब्बे चलाए पंथ सब सिकन को मैं गुरु मान्यो ग्रंथ वाहिगुरु। उस स्थान पर अगर गलती से भी कोई राजनीति किया ना किसी ने भी, और हां जितने पहले के लोग थे ना कमिटी, और दो सिरों पे, और दो इनको खा, ये सब चढ़ा के दो इनको, जिनको ABCD नहीं मालूम है बाणी का, दो और सिरों पे, महंगा पड़ता है। तो इसके लिए जब तखत साहब में सेवा करते ना, सिर्फ महाराज का सेवा करो बस, बाकी किसी के बारे में ना सोचो, चाहे वो गृह मंत्री रहे, PM रहे, CM रहे, कोई भी रहे, कुर्सी कुर्सी वही रहता है, आदमी बदलता है, कुर्सी वही रहता है। और एक बात, एक टाइम पे बादशाह था औरंगजेब, कच्ची कब्र में टांग फैला के लेटा है संभाजी नगर में, कुत्ता भी नहीं पूछता है, वैसी कल इसको भी कोई नहीं पूछेगा जो आज कुर्सी पे, लेकिन पातशाही पातशाही रहेगा, पातशाही कौन जिसका ये स्थान है। तो इसके लिए रिक्वेस्ट है, गुरुद्वारा एक्ट, इसके लिए जिधर भी जाना पड़ जाए मैं जाऊंगा और सेवा करूंगा वाहिगुरु।